Good morning, class 7. I am Dipali Prasad from Vardhman Government School and I am here to teach you English of class 7. And today we will start lesson 3. This lesson is divided into two parts. First is lesson 3 and second is lesson 4. And today we will start lesson 3. The wheat is cheaper first. It means gehu sasta hai. So let's start the reading. लेसन 3. द वीट इज चीपर फर्स्ट मीन्स गेहूं सस्ता है. वन इवनिंग रवि एंड अशोक वेंट टू सी डेविड स्मिथ. एक दिन रवि और अशोक डेविड स्मिथ को मिलने गए. डेविड्स फादर मिस्टर स्मिथ इज एन इंग्लिश मैन. डेविड के फादर मतलब पिताजी मिस्टर स्मिथ एक इंग्लिश मैन थे, मीन्स विदेशी थे. ही हैज़ ट्रेवल्ड वाइडली एंड ही इज नाउ वर्किंग इन इंडिया. वह पूरे देश में घूमे फिरे थे और फिर अब इंडिया में काम कर रहे थे. अशोक एंड रवि मेट डेविड ओनली अ फ्यू डेज अगो. अशोक और रवि डेविड से सिर्फ कुछ दिन पहले ही मिले थे. बट द थ्री बॉयज़ नाउ मीट ऑलमोस्ट एवरी डे. बट अब वो तीनों अधिकतर मिलते रहते हैं. दैट इवनिंग द बॉयज़ स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट स्टोरीज. और उस दिन शाम को वे तीनों लड़के स्टोरीज मतलब कहानियों के बारे में बात कर रहे थे. अशोक सेड, अशोक ने कहा, रवि रीड्स अ लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स. रवि बहुत सारी कहानी की किताबें पढ़ता है. परहैप्स ही वॉन्ट्स टू बिकम अ राइटर और अ स्टोरी टेलर. तो शायद वह या तो राइटर बनेगा या स्टोरी टेलर मतलब मीन्स कहानियाँ सुनाने वाला. रवि, एवरीबडी लाइक स्टोरीज, सभी को कहानियाँ पसंद होती है. आई लाइक लिसनिंग टू गुड स्टोरीज, मुझे भी अच्छी कहानियाँ सुनना पसंद है. डोंट यू डेविड? डेविड क्या तुम्हें पसंद नहीं? डेविड, यस ऑफ कोर्स, बेशक है. व्हाई डोंट यू टेल मी वन? तुम क्यों नहीं मुझे एक स्टोरी सुनाते हो? डेविड कहता है. रवि, आई वॉन्टेड यू टू टेल अस अ गुड स्टोरी, प्लीज टेल अस वन. फिर रवि कहता है, मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमें कहानी सुनाओ, प्लीज़ कोई अच्छे से कहानी सुनाओ. डेविड, आई विल सम अदर डे, मैं किसी और दिन सुनाऊंगा, बट टुडे यू मस्ट टेल मी अ गुड इंडियन स्टोरी, पर आज तुम एक अच्छी सी इंडियन मतलब भारतीय कहानी सुनाओ. रवि, ऑल राइट, आई विल, चलो ठीक है मैं सुनाता हूँ. आई स्पेंड माई लास्ट समर वेकेशन विथ माई ग्रैंड फादर इन हिज विलेज. रवि कहता है कि मैंने अपना लास्ट समर वेकेशन मतलब गर्मी की छुट्टियां अपने दादाजी के साथ उनके गांव में बिताया. ही यूज़ टू टेल मी एटलीस्ट वन स्टोरी एवरी नाइट. वह मुझे हर रात को कम से कम एक कहानी ज़रूर सुनाते थे. आई विल टेल यू वन ऑफ दोज स्टोरीज टुडे, मैं तुम्हें उनमें से एक कहानी आज सुनाऊंगा. अशोक, वॉट इज़ द स्टोरी कॉल्ड, उस स्टोरी को क्या कहते हैं? रवि, द वीट इज चीपर, इट मीन्स गेहूं सस्ता है. डेविड, चीपर देन वॉट, मतलब किससे सस्ता है? रवि, दैट यू मस्ट टेल मी आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी, दिस इज हाउ इट गोज. रवि कहता है कि यह तो तुम मुझे कहानी सुनने के बाद बताना कि क्या हुआ है स्टोरी में. लॉन्ग अगो इन एन इंडियन टाउन देयर लिव्ड अ मर्चेंट. बहुत लंबे साल पहले इंडियन टाउन में एक मर्चेंट रहता था. मर्चेंट मीन्स व्यापारी. ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो बहुत ही लालची था. ही यूज टू गो टू टाउन्स टू बाय और सेल लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन. एंड इवन हीज वे टू दिस टाउन्स ही थॉट ऑफ मेकिंग मनी. वह मर्चेंट एक बहुत बड़ी मात्रा में अनाज बेचना और खरीदना का काम करता था, इधर से इधर मतलब एक टाउन से दूसरे टाउन में आने जाने का, और बहुत सारा पैसा कमाने की सोचता था. वन डे व्हेन ही वाज गोइंग टू अ टाउन टू बाय सम ग्रेन ही सो अ फार्मर. एक दिन जब वह कुछ गेहूं मतलब कुछ अनाज बेचने के लिए एक टाउन जाता है, तब वह वहां एक फार्मर को देखता है. सम डिस्टेंस अवे, कुछ दूरी पर एक फार्मर को देखता है. हियर ही थॉट ही इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट सम मनी आउट ऑफ दिस सिंपल विलेजर. और वो यहाँ सोचता है कि क्यों ना इस सिंपल मतलब साधारण गांव वाले से पैसा कमाने का अच्छा मौका ढूंढ लेता है. सो ही वॉक्ड क्विकली अप टू हिम एंड स्टार्टेड बींग फ्रेंडली विथ हिम. तो वह दौड़ कर उसके पास जाता है और उससे
दोस्ती करने लगता है. ही सेड टू द फार्मर, वह फार्मर से कहता है, व्हेन आई वॉज यंग आई यूज टू गो अ लॉन्ग डिस्टेंस अलोन, बट एज आई एम गेटिंग ओल्ड आई वुड लाइक अ कंपेनियन विथ मी ऑलवेज. वह कहता है कि जब मैं जवान था तब मैं अकेले ही बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस पार कर लेता था, लेकिन अब जब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो मुझे एक साथी की जरूरत है. कंपेनियन मीन्स साथी. एज वी आर गोइंग द सेम वे इट इज गुड फॉर अस टू बी टूगेदर. वो कहता है कि हम वैसे भी एक ही जगह जा रहे हैं तो क्यों ना हम साथ में चलें. वी शैल इंजॉय ईच अदर्स कंपनी, हम दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगेगी और हम इंजॉय करेंगे, मजा करेंगे. द फार्मर सेड, फार्मर कहता है, थैंक यू, शुक्रिया. आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, कि मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा. आई बिलीव यू आर अ स्ट्रेंजर, मुझे लगता है तुम एक अजनबी हो. नो द मर्चेंट सेड, मर्चेंट कहता है, नहीं, आई एम अ मर्चेंट, मैं एक व्यापारी हूँ. एंड आई हैव बीन हियर बिफोर, और मैं यहाँ पहले से रहता हूँ. बट आई ट्रेवल टू मैनी प्लेसेस, लेकिन मैं बहुत सारी जगहों पर ट्रेवल मतलब यात्रा करता हूँ, इसलिए तुमने मुझे पहले नहीं देखा होगा. बट हाउ कैन आई बी अ गुड कंपेनियन टू यू, द फार्मर आस्क. फार्मर पूछता है कि लेकिन मैं तुम्हारा अच्छा साथी कैसे बन सकता हूँ. आई एम ओनली अ सिंपल विलेजर एंड यू हैव सीन अ लॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, कि मैं तो एक साधारण सा विलेजर हूँ और तुमने तो पूरी दुनिया घूमी है. बट परहैप्स इट विल बी ऑल राइट इफ यू डू ऑल द टॉकिंग, आई शैल लिसन टू वॉट यू से. पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यह अच्छा होगा कि तुम मुझसे बातें करो और मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा. दिस इज नॉट फेयर, आई कांट डू ऑल द टॉकिंग. आई हैव एन आइडिया, इच वन ऑफ अस कैन टेल द वाइल्डेस्ट पॉसिबल टेल. इफ आई कास्ट अ डाउट ऑन योर स्टोरी आई विल पे यू 100 rupees, बट इफ यू कास्ट अ डाउट ऑफ माइंड यू विल हैव टू पे मी एन इक्वल सम ऑफ मनी. हाउ डू यू लाइक द आइडिया. फिर जो मर्चेंट रहता है वो फार्मर से कहता है कि यह तो ठीक बात नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोलता रहूं और तुम सुनो. मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया है, हम एक काम करते हैं कि हम एक दूसरे को कहानियां सुनाएंगे, ठीक है. पहले मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, अगर अगर तुम्हें मेरी कहानी पर शक हुआ तो तुम मुझे उसके बदले में 100 rupees दोगे, और यदि मुझे तुम्हारी कहानी पर शक हुआ तो तुम भी मुझे सेम अमाउंट दोगे. तो वो पूछता है कि तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा. देन सेड द फार्मर, फाइन. और फार्मर कहता है ठीक है. एंड सो इट इज इट अ बार्गेन, द मर्चेंट सेड. मर्चेंट कहता है कि यह एक बार्गेनिंग है. यस इट इज, सेड द फार्मर. फार्मर कहता है कि हाँ. नाउ लेट्स बिगिन, फिर वो दोनों शुरू करते हैं. एज यू आर द वाइजर ऑफ अस टू यू मस्ट बिगिन, द मर्चेंट बिगिन हिज स्टोरी. फार्मर कहता है कि हम दोनों में वैसे भी सबसे ज़्यादा वाइजर मीन्स बुद्धिमान तुम हो, तो तुम पहले स्टार्ट करो. फिर मर्चेंट जो रहता है वो स्टोरी बनाना शुरू करता है. एज आई वॉज गोइंग अलोंग दिस रोड वन डे, एक दिन जब मैं रोड पर जा रहा था, आई सो अ मर्चेंट विथ अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ कैमल्स, तब मैंने एक मर्चेंट को देखा और उसके साथ एक लंबी रेलगाड़ी को भी देखी, जिस वो रेलगाड़ी कैमल की थी. देर वॉज 101 कैमल्स एंड ईच ऑफ देम वॉज लोडेड विथ लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन. और वो जो रेल थी उस पर कितने कैमल्स थे, 101 मीन्स 101 कैमल्स थे, और हर कैमल्स पे बहुत सारा ग्रेन मीन्स अनाज लोडेड था मतलब लदा हुआ था. फार्मर, I have seen trains of camels myself and they are very often loaded with very heavy goods. Farmer कहता है कि मैंने भी camel से भरी हुई ट्रेन देखी है और उनके ऊपर बहुत सारा goods means सामान लदा हुआ रहता है. Merchant, all the camels were tied together with ropes, nose to tail. It was a long train, about half a mile. मर्चेंट कहता है कि सभी कैमल एक दूसरे से
नोज से टेल तक रस्सी से बंधे हुए थे. इट वॉज अ लॉन्ग ट्रेन अबाउट हाफ अ माइल. वह ट्रेन बहुत ही लंबी थी, लगभग हाफ अ माइल. फार्मर, गुड, इट मस्ट हैव बीन अ फाइन साइट. एंड देन फार्मर कहता है कि अच्छा, यह तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा. फिर क्या हुआ? मर्चेंट, एंड देन अ काइट फ्लू डाउन ऑन द फर्स्ट कैमल एंड कैरिड हिम ऑफ. बट एज ऑल द कैमल्स वर टाइड टुगेदर, ऑल द अदर कैमल्स वर कैरिड अप विथ इट. व्हाट डू यू से टू दैट? फिर मर्चेंट कहता है कि एक पतंग उड़ती हुई नीचे फर्स्ट कैमल के पास आई और उसे अपने साथ लेके जाने लगी. बट जैसे कि सारे कैमल्स आपस में बंधे हुए थे, तो इस वजह से सारे कैमल्स उसी के साथ हवा में उड़ने लगे. फिर मर्चेंट उस फार्मर से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है? फार्मर, इट मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइट. फार्मर कहता है कि मुझे लगता है कि वह काइट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी, मीन्स मजबूत होगी. मर्चेंट, डू यू डाउट इट? क्या तुम्हें इस पे शक है? फार्मर, नो, व्हाई शुड आई? फार्मर कहता है कि नहीं, मुझे क्यों होगा. नाउ द मर्चेंट वॉज डिसअपॉइंटेड. फिर जो मर्चेंट रहता है वह अपनी प्लान में डिसअपॉइंटेड, मीन्स निराश हो जाता है. बट ही डिसाइडेड टू मेक अनादर अटैम्प्ट टू गेट द 100 रुपीज. फिर वह 100 रुपीज पाने के लिए सेकेंड अटैम्प्ट, मतलब सेकेंड चांस, दूसरी कोशिश करता है. ही कंटिन्यूड, अ प्रिंसेस वॉज सिटिंग इन हर गार्डन एंड अ मैड वॉज कॉम्बिंग हर हेयर. फिर वह मर्चेंट अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता है और कहता है कि एक प्रिंसेस अपने गार्डन में बैठी हुई थी और उसकी जो मैट थी, मीन्स नौकरानी, वह उसके बालों को कॉम्ब कर रही थी, मीन्स कंघा कर रही थी. द प्रिंसेस हैपन टू लुक अप एट द स्काई. जस्ट देन द काइट आई स्पोक अबाउट वॉज फ्लाइंग इन द स्काई राइट अबाउ हर हेड. द फर्स्ट कैमल गेव द बर्ड, मीन्स काइट, यहाँ पे बर्ड का मीन्स है काइट, सच अ किक दैट इट लेट गो हिम. एंड देन ट्रेन ऑफ कैमल्स फेल्स राइट इन टू द प्रिंसेस लेफ्ट आई. इट मीन्स जो प्रिंसेस रहती है वो गार्डन में बैठी बैठी जब आसमान में देखती है तो वो सब देख रही होती है कि क्या हो रहा है. और फिर एकदम से देखते देखते जो कैमल की जो काइट थी वो नीचे आती है और प्रिंसेस के जो लेफ्ट आई रहती है, बाई आँख, उसमें चली जाती है. तो जो कैमल की जो ट्रेन रहती है वो कहाँ चली जाती है? प्रिंसेस की आंखों में. पुअर गर्ल, देयर वर 101 एनिमल्स एंड दे मस्ट हैव गिवन हर अ लॉट ऑफ पेन. एंड देन फिर मर्चेंट कहता है कि 101, मतलब 101 एनिमल्स उस प्रिंसेस की आंखों में चले जाते हैं और इस वजह से प्रिंसेस को अपनी आंखों में काफ़ी पेन होता है, बहुत दर्द होता है. एंड देन और फिर तब फिर फार्मर पूछता है और फिर तो मर्चेंट को कुछ समझ में नहीं आता है कि आगे वो क्या स्टोरी बनाए. एंड देन द मर्चेंट डिड नॉट नो व्हाट टू से, कि वो क्या कहे. बट ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट, पर फिर भी वह एक अपनी आखिरी कोशिश करता है. देन द प्रिंसेस स्टार्टेड क्राइंग विथ पेन. और वो कहता है कि फिर प्रिंसेस दर्द की वजह से रोना शुरू कर देती है. हर मेड स्टॉप्ड कॉम्बिंग हर हेयर, और उसकी जो मेड रहती है वह उसके बालों को कंघा करना बंद कर देती है. शी केयरफुली लिफ्टेड द प्रिंसेस आई लिड एंड रिमूव्ड ऑल द कैमल्स वन आफ्टर द अदर फ्रॉम हर आई एंड पुट देम इनटू हर पॉकेट. फिर मर्चेंट कहता है कि जो उसकी मेड रहती है वो बिल्कुल ध्यान से प्रिंसेस की जो आईलाइड, मतलब जो आई लेशेस होती है, उसे ओपन करती है और एक के बाद एक सारे कैमल्स को उसकी आंखों से निकाल कर अपनी पॉकेट में रख लेती है. दैट वॉज अ गुड मैट, सेड द फार्मर. एंड देन फिर फार्मर कहता है कि इसका मतलब उसकी नौकरानी अच्छी है. और फिर द मर्चेंट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग मोर, सो ही सेड दिस इज ऑल एंड इज द एंड ऑफ माई स्टोरी, नाउ इट इज योर टर्न. फिर मर्चेंट को कुछ समझ में नहीं आता है कि वह आगे क्या स्टोरी बनाए और इसलिए वह कहता है कि मेरी कहानी का यहीं पे अंत हो गया और अब तुम्हारा टर्न है. सो बच्चों, यह थी मर्चेंट और फार्मर के बीच की कन्वर्सेशन.
इसका सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले हम इस लेसन की वर्ड मीनिंग एंड एक्सरसाइज वर्ड पावर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।